नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा हेल्थ ड्रिंक पाउडर बताने वाली हूँ जो अगर हम विंटर सीजन में अगर बनाकर खाते हैं दूध के साथ, तो यकीन मानिए हमारी जो बॉडी को जो विटामिन्स की जो कमी होती है या फिर जो एनर्जी की कमी होती है वो सारी भर के निकलती है इस ड्रिंक पाउडर से। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे 250 ग्राम वॉलनट लिए है। वॉलनट की अगर बात की जाए तो ये स्वादिष्ट तो होते ही है, साथ में सेहत के लिए ये बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। एनर्जी पावर हाउस भी इसे कहते हैं एक तरह से, और दिल की हेल्थ के लिए, मस्तिष्क के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कहलाते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर होता है फ्रेंड्स। ये याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे से मदद करता है हमारे। देखिए, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से क्रिप्सी होने तक मैंने इसे भून लिया है। ऐसे अगर हम तोड़ के देखते हैं तो ये तुरंत ही टूट जाता है, इसका मतलब वो हो गया है। ये थोड़ा सा होना बाकी है, इसे हम थोड़े से और 1 मिनट तक भून लेंगे, ये आराम से जल्दी से हो जाता है। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही भून के लेंगे। देखिए, ये भून चुके हैं, अब इसे हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे क्रिप्सी होते हैं। अब उसी पैन में फ्रेंड्स, पैन को साफ करके मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड ले लिए। सनफ्लावर सीड की बात की जाए तो सनफ्लावर सीड के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं फ्रेंड्स। जोड़ों में लचीलापन लाता है, हेयर ग्रोथ में सनफ्लावर सीड एकदम बढ़िया काम करता है, और गठिया होता है उससे भी हमें ये बचा लेता है। त्वचा में निखार बढ़ाता है, पेट भी ठीक रखता है हमारा, और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉडी रिपेयर का काम करता है, इसलिए हम सनफ्लावर सीड ज़रूर लेंगे। इसके बाद मैंने खरबूजा बी ले लिए है, मुश्क मलोन सीड ले लिए है। इसमें विटामिन ए होता है फ्रेंड्स, बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आँखों की रोशनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होता है फ्रेंड्स। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और साथ में ब्लड प्रेशर हमारा जो है कम रखता है, और स्ट्रेस भी कम रखता है, और एसिडिटी को भी छूमंतर कर देता है। इसीलिए हम इस खरबूजा बी को या मुश्क मलान सीड को ज़रूर इस ड्रिंक में ऐड करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसे होटल्स में ग्रेवी में भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। इसे भी हम मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से क्रिप्सी होने तक भून लेंगे। हाथ में लेके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब हो चुका है। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। ज़्यादा हमें फास्ट आंच बिल्कुल करनी नहीं है। ये जो भी हम ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं इसे हम मीडियम आंच पे ही सब भून लेंगे। देखिए, ये भी अच्छी क्रिप्सी भुनी गई। इसके बाद में मैंने काजू ले लिए है। काजू की अगर बात की जाए तो काजू में भी बहुत सारे गुण होते हैं फ्रेंड्स। ये हड्डियाँ मजबूत करने में मदद करता है हमारी। इसमें ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रखने की भी ताकत होती है, और त्वचा की झुर्रियाँ जो होती है, वो समस्याएँ जो होती है झुर्रियों की, उसे भी कम करता है। साथ ही में पाचन तंत्र मजबूत करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे क्रिप्सी इसे भी इसे भून लिया है। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, देख सकते हो आप। इसे हमें भून लेना है। इसके बाद में मैंने बादाम ले लिया है। बादाम तो हम ज़रूर डालते हैं कोई भी हेल्थ ड्रिंक में। बादाम में प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, फाइबर भी होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, जो पेट को देर तक भरा रखता है, और इसमें विटामिन ई होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है ई विटामिन, तो जो हमारी दिमागी क्षमता बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और बच्चों के ड्रिंक में अगर हम बना रहे हैं तो हमें बादाम तो ज़रूर चाहिए। आजकल पढ़ाई ज़्यादा हो चुकी है बच्चों की, तो हम बादाम ज़्यादा डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो बादाम ले लिए हैं। ये 5 व्यक्तियों के लिए 3 महीने तक जाने वाला पाउडर है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे मैंने मखाना ले लिया है। मखाने की अगर बात की जाए तो मखाने में कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है फ्रेंड्स, जो हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हम मखाना ज़रूर डालेंगे। और पेट संबंधी समस्याओं को भी ये दूर करता है। अगर हम इसे दूध के साथ लेना तो इसे कमज़ोरी भी हमारी दूर होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, मैंने मखाना ले लिया है। इसे 2 बार मैंने करके इस तरीके से भून लिया है, आप देख सकते हो। इसके बाद में मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली जो होती है, इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं फ्रेंड्स। यह एक सबसे सस्ता स्रोत है एक तरह से प्रोटीन का। प्रोटीन अगर हमें चाहिए तो हम मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन B6 होता है, और ई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, और आयरन भी मूंगफली में होता है। इस तरीके से देखिए, मैंने ऐसे कलर में इसे भून लिया है, ज़्यादा डार्क मैंने होने नहीं दिया। इसके बाद में मैंने सौंफ ली है। सौंफ से क्या होता है, जो हमारे मिल्क को है ना, अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, और वो पी जाएगा, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट, ऐसा अलग ही फ्लेवर आता है, इसलिए हम सौंफ डालेंगे।
सोप में सबसे अच्छी बात ये थी कि ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है, इसलिए हम सोप ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी हमारी पूरे बॉडी को रिपेयर करने का है, तो हर एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। सोप से क्या होता है, हमारी आँखें जो होती है ना, इसकी रोशनी बढ़ती है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है और कफ नहीं होता है। जो कफ होता है ना, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं, इसलिए हम सोप भी ऐड करेंगे। इसके बाद में देखिए, मैंने पॉपी सीड डाला है। पॉपी सीड यानी खसखस कहते हैं फ्रेंड्स इसे। ये बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसमें जो नींद में सुधार आती है, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें भी आराम से नींद आने लग जाएगी, और हड्डियाँ को स्वस्थ रखता है, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है, हृदय को भी मजबूत बनाता है, शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है फ्रेंड्स। ये खसखस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब कुछ होता है, और आंतरिक स्वास्थ्य को से लेकर त्वचा और बालों के लिए तो एकदम फायदेमंद है, इसलिए हम पॉपी सीड ज़रूर डालेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। इसके बाद में देखिए मैंने रागी ली है। ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, ये हमें बिल्कुल स्किप न करते हुए डालना है। रागी में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होती है, ये एक तरह से बेबी फूड भी होता है। बच्चों को देखिए बचपन में दिया जाता है ये। इससे क्या होता है, खून की कमी भी, जिनके बॉडी में अगर खून की कमी हो तो खून की कमी भी इससे दूर होती है फ्रेंड्स, और एक कोलेस्ट्रॉल को एकदम नियंत्रित, एकदम व्यवस्थित रखता है, और कैल्शियम तो इतना होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। हम हेल्थ ड्रिंक बना रहे हैं तो ओवरऑल हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इसलिए हम रागी ज़रूर ऐड करेंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट तक मैंने इस तरीके से भून लिया है। इसके बाद में देखिए मैंने चिया सीड लिया है। चिया सीड की बात की जाए तो ये सुपर फूड कहलाता है, इसे हम भूनेंगे नहीं फ्रेंड्स। मनुष्य के शरीर के अंदर जो भी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो सब चिया सीड में होती है, इसलिए हम चिया सीड को ऐड करेंगे। इसे भी मैंने ले लिया है। अब इसको ये जो सब कुछ जो भुना है ना, ये अभी भी थोड़ा सा गर्म है फ्रेंड्स, इसे हम एकदम पूरा ठंडा होने देंगे। पहले तो ठंडा होने के पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाएगा ये, ताकि हमें इसे पीसना है। इसके बाद में ये अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद इसे हम पूरा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम देखिए इतना ले लेके मिक्सर के पॉट में हम पीस लेंगे। आप जितना बारीक कर सकते हो आप कीजिए। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में हम इसे बना लेंगे, और इसे अगर स्टोर करने की बात की जाए तो इसे हम प्लास्टिक के कंटेनर में, एयरटाइट कोई भी कंटेनर में भर के इसे फ्रीज में हम रख सकते हैं। ये 3 महीने तक आराम से 5 व्यक्तियों के लिए बन के पाउडर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। एकदम आसान है, और 3-4 महीने अगर हम लेते हैं ना, तो यकीन मानिए विंटर सीजन में हमारी जो बॉडी है एकदम तंदुरुस्त बन के रेडी होती है। कोई भी बीमारियां नज़दीक हमारे आती नहीं है फ्रेंड्स, और साथ में जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वो आसानी से हमें मिल जाता है। ये इसे अभी लेना कैसा है आपको मैं बता दूँ। देखिए इतना हम बाहर स्टोर करके रख सकते हैं, बाकी का हम फ्रीज में रख देंगे, ताकि जो तेल भिया होती है ना, वो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है, तो हम उसे बाकी का जो है फ्रीज में रख देंगे, और इतना हम डेली यूज़ करेंगे। ये ख़त्म होने के बाद हम दूसरा यूज़ कर लेंगे। अब इसे लेना कैसा है, इसे गरम दूध में लेना है। देखिए एक ग्लास में मैंने गरम दूध ले लिया है। इसे रात को बिल्कुल लेना नहीं है, इसे सवेरे के टाइम में समय में ही लेना है, और 1 चम्मच भर के हम दूध में इसे ऐड करके चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और अब ये दूध हम पी लेंगे। अगर हम 3 से 4 महीने ऐसा करते हैं ना फ्रेंड्स, लेकिन मानिए जो हमारे हड्डियों का, जो आँखों का, जो हेल्थ का, जो भी हेयर का, स्किन का, जो भी प्रॉब्लम है ना, वेट का, जो भी प्रॉब्लम है ना, सब कुछ ख़त्म होते हुए आपको नज़र आएगा, और ये एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक बन के रेडी होगा। ये बच्चों के लिए तो नंबर 1 चीज़ है फ्रेंड्स। आप बड़े भी इसे ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। एकदम अच्छा और टेस्टी बन के रेडी हो चुका है। दूध में आप शक्कर डाल सकते हो अगर आपको दूध मीठा चाहिए तो। आपको मेरी रेसिपी किसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।